गुरुजी प्राइमरी एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आप सभी शिक्षक बंधुओं शिक्षिका बहनों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि इस समय निष्ठा का ऑनलाइन प्रशिक्षण चल रहा है, जो कि दीक्षा पोर्टल से चलाया जा रहा है, और सभी शिक्षकों को ऑनलाइन प्रशिक्षण दीक्षा पोर्टल के द्वारा निष्ठा के सभी मॉड्यूलों का पूरा करना है। तो उसी क्रम में आज मॉड्यूल 3 स्वास्थ्य और कल्याण उत्तर प्रदेश पर आधारित यह वीडियो है, उसकी प्रश्नोत्तरी पर यह वीडियो बनाया गया है। उसके 10 प्रश्नों के उत्तर यहाँ बताए गए हैं मॉड्यूल 3 के। तो इसमें पहला प्रश्न है, आप लोग देख रहे हैं, मुख्यतः घरेलू हिंसा कहाँ होती है। यहाँ 4 विकल्प दिए गए हैं, गरीब परिवार में, कुलीन परिवार में, ऊपर के दोनों, इनमें से कोई भी नहीं। तो इसमें विकल्प नंबर 3 सही है। अब आता है अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 2, इस आसन को पहचाने। तो इस प्रश्न में भी 4 विकल्प दिए गए हैं, पहला भुजंगासन, दूसरा शलभासन, तीसरा धनुरासन, चौथा मकरासन। तो इसमें पहला विकल्प सही है, भुजंगासन। अब प्रश्न नंबर 3, सभी भावनाएं व्यक्त की जानी चाहिए, दबा दी जानी चाहिए, अच्छे भाव छुपाने एवं बुरे भाव व्यक्त करने चाहिए, बुरे भाव छुपाने एवं अच्छे भाव व्यक्त करने चाहिए। तो इसमें विकल्प नंबर 1 व्यक्त की जानी चाहिए सही है। अगला प्रश्न, किस आसन में बाहें ऊपर की ओर खींची होती हैं। हस्तोत्तानासन, शलभासन, धनुरासन, मकरासन। तो इसमें विकल्प 1 हस्तोत्तानासन सही है। अब आता है अगला प्रश्न, संतुलित आहार से क्या तात्पर्य है। उचित अनुपात में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन का समावेश। दूसरा विकल्प वसा और कार्बोहाइड्रेट का समावेश। तीसरा विकल्प विटामिन और खनिज। चौथा वसा और कार्बोहाइड्रेट। तो इसमें विकल्प नंबर 1 सही है, उचित अनुपात में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन का समावेश। अब है अगला प्रश्न, स्कूल सुरक्षा और स्वच्छता में क्या नहीं आता है। पीने का पानी और भूकंप, अपर्याप्त स्वच्छता, सुविधाएं और सड़क सुरक्षा, सांपों और किसी भी अन्य कीटों द्वारा परिसर पर आक्रमण, टूटी हुई या कोई बाउंड्री नहीं होना। इनमें से कोई भी नहीं। इसमें विकल्प नंबर 4 इनमें से कोई भी नहीं सही है। अब है अगला प्रश्न, शारीरिक स्वास्थ्य में क्या नहीं आता है। व्यायाम, योग, टीवी पर व्यायाम देखना, घरेलू शारीरिक गतिविधियाँ। तो इसमें विकल्प नंबर 3 टीवी पर व्यायाम देखना नहीं आता है। अब आता है अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। हमारे शरीर में परिवर्तन प्राकृतिक, सामान्य और स्वस्थ होते हैं। बच्चों के बीच सभी परिवर्तन एक ही समय में होते हैं। शारीरिक परिवर्तन हमेशा मानसिक, सामाजिक परिवर्तनों से पहले होते हैं। बच्चे कभी तनाव महसूस नहीं करते। इसमें विकल्प नंबर 1 हमारे शरीर में परिवर्तन प्राकृतिक, सामान्य और स्वस्थ होते हैं या सत्य है। फिर है अगला प्रश्न, शारीरिक शिक्षा में किन का समेकन किया जा सकता है। केवल विज्ञान और सामाजिक विज्ञान का, केवल भाषा और विज्ञान का, अतिरिक्त पाठ्यक्रम गतिविधियाँ, सभी। इसमें विकल्प नंबर 4 सभी सही है। फिर आता है, इंटरनेट, गैजेट्स और मीडिया के सुरक्षित उपयोग में क्या क्या शामिल है। साइबर बदमाशी या बुलिंग, अजनबियों के साथ व्यक्तिगत विवरण साझा करना, सोशल मीडिया पर व्यक्तिगत विवरण साझा नहीं करना, सोशल मीडिया पर व्यक्तिगत स्थिति को नियमित रूप से अपडेट करना। इसमें विकल्प नंबर 3 सही है, सोशल मीडिया पर व्यक्तिगत विवरण साझा नहीं करना। तो इस प्रकार यहाँ 10 प्रश्न मॉड्यूल 3 पर स्वास्थ्य और कल्याण से संबंधित 10 प्रश्नों के उत्तर यहाँ बताए गए हैं, जो कि हम सभी शिक्षकों को पूरा करना है मॉड्यूल का प्रशिक्षण, और इसका सर्टिफिकेट भी हमें प्राप्त होगा।
तो आप लोगों को हमारा यह वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और यदि आपने अभी तक हमारा YouTube चैनल गुरुजी प्राइमरी एजुकेशन सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। और अंत में मैं यह कहना चाहूँगा कि प्रशिक्षण प्रमाण पत्र प्रशिक्षण पूर्व करने के लगभग 7 से 10 कार्य दिवस के उपरांत मिलेगा, लेकिन कभी कभी होता क्या है कि आपने जैसा ही प्रशिक्षण पूरा किया तो सर्टिफिकेट तुरंत ही आ जा रहा है। दूसरा है, दीक्षा ऐप पर प्रशिक्षण की प्रगति 100% दिखने में 24 घंटे का समय लग सकता है। तीसरा है, इस प्रशिक्षण के संबंध में किसी प्रकार की जिज्ञासा या समस्या होने पर आप अपने शिक्षक संकुल ARP अथवा निष्ठा ब्लॉक टेक्निकल एडमिन से संपर्क कर सकते हैं। तो इस प्रकार यह वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद यह वीडियो देखने के लिए। आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें कि आप लोगों को हमारा वीडियो कैसा लगा, और हमारे चैनल को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर अपना अमूल्य सहयोग प्रदान करें। बहुत बहुत धन्यवाद।